हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मॉडिफिकेशन। गाइस, ये मैंने न्यू प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वर्ल्ड कार एसेसरीज से, एंड ये मेरे पास रिसीव हो चुका है। और ये ऑटोमोबाइल जनरल डेकोरेशन लैंप है, और ये पीछे आपकी बैक मिरर पे लगती है अंदर से, और ये बहुत बढ़िया लाइट है। आप देखिए मैं इसे कैसे लगाता हूँ, और सारे कनेक्शंस मैं आपको बताता हूँ कैसे करने हैं। और इसमें बहुत सारे मोड्स दे रखे हैं, तो आप देखिए कहाँ पर लगाऊंगा। ये यहाँ पर लगती है मिरर के ऊपर, और मैं इसको अंदर से लगाता हूँ। तो आप देखिए मैं अंदर से इसे कैसे लगाता हूँ। ये इसमें 3M की टेप दे रखी होती है। आप मिरर क्लीन करके और आप आराम से इसे पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे पीछे आपकी जो ब्रेक लाइट होती है आप उससे अटैच कर सकते हैं, ऊपर वाली ब्रेक लाइट से, नहीं तो आप नीचे टेल लाइट से भी उसे अटैच कर सकते हैं। मैंने नीचे टेल लाइट से ही अटैच करी है बिकॉज वो ईजी थी ज़्यादा। बस ये आपको टेप रिमूव करनी है और आप आराम से इसे पेस्ट कर सकते हैं। इसकी जो गमिंग जो पावर है वो भी बहुत अच्छी है, ये उतरती नहीं है, और बहुत बढ़िया क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की, और हैवी भी है बहुत ज़्यादा। चलिए गाइज, मैं इसको फिट करता हूँ और आपको कनेक्शंस करके बताता हूँ कि इसके कनेक्शंस कैसे होंगे। गाइज ये देखिए मैंने लगा दिया इसको, और ये अंदर से भी इतनी अच्छी लग रही है और बाहर से भी इसकी लुक जो है पता नहीं चलती कि एक लाइट लगा रखी है। और ये देखिए मैंने लगा दिए, आप इसको अपनी तरफ से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसमें वायर भी लॉन्ग आती है बहुत, इसमें वायर एक्सटर्नल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वायर जो है मैं साइड बीडिंग से अंदर अंदर से निकाल लूँगा जो दिखे ना। गाइज जब आप ये बेडिंग रिमूव करें तो आप ध्यान रखिएगा कि इसको आप अच्छे से लगा दें, नहीं तो आपकी गाड़ी में पानी आने के चांसेस रहेंगे और फिर आपकी रस्टिंग होने की प्रॉब्लम रहेगी। तो आप जैसे निकालें इसे ऐसे अच्छे से इसे फिक्स कर दें। तो गाइज़ ये देखिए मैंने वायर जो है वो निकाल लिए। अब मैं ये टेल लाइट ओपन करता हूँ और फिर कनेक्शंस करते हैं। गाइज देखिए ये टेल लाइट मेरी निकल चुकी है, और अब हम कनेक्शंस देखते हैं इसके कैसे करने हैं। गाइज ये लाइट का इन्फो है रेड, ब्लैक, येलो, वाइट एंड ग्रीन। इसमें दो जो वायर्स होती है वो इंडिकेटर की होती है लेफ्ट राइट की, एंड एक जो होती है वो पार्किंग की होती है, और एक नेगेटिव होती है और एक होती है ब्रेक की। तो देखिए ये मैंने नेगेटिव जो है ये मैंने ब्रेक लाइट से अटैच कर दिया, नेगेटिव पावर दे दिए, और बाकी की जो वायरिंग है वो पॉजिटिव है, तो हम उसको कहीं पे भी दे सकते हैं। तो जैसे मेरी ये गाइस देखिए ये रेड वायर जो है ये मैंने ब्रेक लाइट से पॉजिटिव दे दिया, जो मेरी पार्किंग से अटैच हो जाएगी, और ब्रेक के लिए मैं ग्रीन वायर में अटैच कर दूंगा। आप ज़्यादा आपको कनेक्शन में डिटेल में वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे से कनेक्शन समझा रखे हैं, उसमें भी मैंने सेम कनेक्शंस करे थे। गाइस देखिए ये जो रेड वायर है मैंने रेड वायर से ही जॉइंट कर दी है, और नेगेटिव वायर भी इसी बल्ब में जॉइंट कर दी है। तो ये मेरी पार्किंग वायरिंग कम्प्लीट है। और देखिए अब मैं ये नेक्स्ट वायरिंग है आपकी, ये ग्रीन वायर जो है मैं इसमें कट मार के इसमें मैं ब्रेक की वायर अटैच करता हूँ। गाइस देखिए ये जो मैंने ग्रीन वायर है इसमें कट कर दिया, अब मैं इसमें वाइट वायर जो है वो मैं अटैच करता हूँ। गाइस देखिए ये जो वाइट वायर है ये आपकी ब्रेक की होती है, और ये देखिए ये मैंने ग्रीन वायर से जो है जॉइंट कर दी है, ये ब्रेक की वायर है, एंड आप इसको मैंने ब्रेक बल्ब से जॉइंट करिए। तो आप भी इसको ब्रेक बल्ब से ही जॉइंट करिएगा, आप ऊपर वाली लाइट से जॉइंट करेंगे तो उसमें भी बहुत दिक्कत है, आप नीचे टेल लाइट से ही सारे कनेक्शन दीजिएगा। अब एक जो वायर आएगी वो लेफ्ट साइड के इंडिकेटर में आएगी, और एक जो वायर आएगी वो राइट साइड के इंडिकेटर में आएगी। देखिए गाइज ये मेरी वाइट वायर भी जॉइंट हो चुकी है। देखिए मेरी 3 वायर कम्प्लीट हो चुकी है, एक रेड पॉजिटिव,
एक वाइट ब्रेक लाइट एंड एक ये नेगेटिव। तो अब मेरी दो वायर्स बचती हैं, एक ब्लू एंड एक मेरी येलो। तो जो ब्लू वाली है वो आई थिंक आपकी लेफ्ट इंडिकेटर की है और जो येलो वाली है वो राइट इंडिकेटर की है। तो चलिए अब हम उसको भी जॉइंट करते हैं और इस पे पहले हम टेप लगा देते हैं। गाइज ये मैंने येलो वायर भी जॉइंट कर दिया है इंडिकेटर से, इंडिकेटर के पॉजिटिव से आप इसे जॉइंट कर सकते हैं। और ये मैंने जॉइंट कर दिया है, अब मैं इसको फिट करके और जो है लेफ्ट के जो इंडिकेटर की वायर है वो जॉइंट करूँगा। चलिए मैं इसको फिट करता हूँ। गाइस देखिए ये मैंने टेल लाइट फिक्स कर ली है और मैंने एक जो वायर है वो मैंने लॉन्ग कर लेता हूँ जो मेरी लेफ्ट इंडिकेटर पे जाएगी। और ये देखिए ये मैंने एक जो वायर थी ये मैंने लॉन्ग कर ली थी, इसको मैंने नीचे से बेडिंग के ये मैंने ले ली थी और मैंने इसको लेफ्ट टेल लाइट के इंडिकेटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दी है। ये बहुत ईजी कनेक्शन है, आप इन्फो अच्छे से देख लीजिएगा और आप ख़ुद भी कनेक्शन इसके कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके, मैंने उसमें अच्छे से समझाए हुए सारे कनेक्शन, तो आप वो देख लेना। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये जहाँ से मैंने प्रोडक्ट लिया है वहाँ का भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। गाइज ये मैं फिट कर देता हूँ और देखते हैं लाइट कैसी लग रही है ऑन करके, और सारे मोड्स चेक करते हैं कि लाइट कैसी जल रही है। और नाइट का भी शॉट लेंगे, नाइट को मैं तो बहुत प्यारी लगेगी। ब्रेक दबा। तो गाइस देखिए ये मेरी फिट हो चुकी है और ये देखिए ये ब्रेक पे वर्क कर रही है एंड ब्रेक पे बहुत बढ़िया लग रही है। ये पार्किंग है, देखिए आप पार्किंग पे ये कंटिन्यूस चलती रहेगी और आप जब ब्रेक प्रेस करेंगे तो ये ब्लिंक करेगी। तो ये देखिए ये है आपके नॉर्मल मोड, ये देखिए ये पार्किंग ऑन करिए तो ये इसका एनिमेशन ऐसा है, देखिए ये पार्किंग पे है और ब्रेक प्रेस करेंगे तो ब्लिंक करेगी। और आप इंडिकेटर देखिए, इसके इंडिकेटर कैसे लग रहे हैं, ये देखिए ये ब्रेक पे है। गाइस देखिए ये नाइट का शॉट है और मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रहा है। और जहाँ से मैंने लाइट ऑर्डर की थी मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और देखिए ये इंडिकेटर है और ये ब्रेक पे वर्क करती है और इसमें बहुत सारे मोड्स हैं और लाइट की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात हैवी है लाइट बहुत ज़्यादा, इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगी और मेरे को 6 मंथ की वारंटी भी मिली है इसकी। कुछ भी होता है तो वो चेंज करके देते हैं, वैसे कुछ होगा ही नहीं और क्योंकि क्वालिटी से ही पता चल जाता है चीज़ की कि कैसी है क्वालिटी। और ये बहुत बढ़िया लाइट है, आप देखिए वीडियो में भी आपको पता चल रहा होगा कि कितनी प्यारी लग रही है लाइट, और आप रियल में देखेंगे तो आपको सही में बहुत बढ़िया लाइट लगेगी। ये देखिए ये आगे से कुछ लाइट का व्यू है, ये मैंने PCR लाइट इंस्टॉल करी थी, ये देखिए ये अंदर भी मैंने इंस्टॉल करी थी और ग्रिल में भी इंस्टॉल करी थी। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब, आगे भी ऐसी ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस सो मच, कीप सपोर्टिंग गाइस।